बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग किंग रिचर्ड। ये रिचर्ड विलियम्स की जिंदगी की सच्ची कहानी है। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि रिचर्ड अपनी पत्नी और 5 बेटियों के साथ कैलिफोर्निया में रहता है। दरअसल इन 5 बेटियों में से 3 उसकी स्टेप डॉटर्स हैं और 2 उसकी रियल डॉटर्स हैं। इनका नाम वीनस और सरीना होता है, लेकिन रिचर्ड अपनी 5 बेटियों को बराबर प्यार करता है। वो अपनी 2 बेटियों को यानी वीनस और सरीना को टेनिस प्लेयर बनाना चाहता है और ये सपना उसने उस वक्त देखा था जब ये दोनों पैदा भी नहीं हुई थी। वीनस और सरीना को भी टेनिस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन टेनिस एक ऐसी गेम है जो बहुत महंगी है और रिचर्ड जो नाइट में गार्ड का काम करता है वो इस महंगी गेम को अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन वो और उसकी पत्नी ब्रैंडी दोनों भी टेनिस कोच होते हैं, इसीलिए वो अपनी दोनों बेटियों को टेनिस की प्रैक्टिस करवाते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस काफी नहीं है, उन्हें और भी अच्छी कोचिंग की जरूरत है। इसीलिए रिचर्ड कई कोचेस के पास जाता है कि वो उनकी बेटी को फ्री में प्रैक्टिस करवाएं, लेकिन बिना पैसों के कोई भी प्रैक्टिस करवाने के लिए राजी नहीं होता। रिचर्ड इसीलिए एक पुराने टेनिस कोर्ट को जाकर साफ करता है ताकि वीनस और सरीना को यहाँ पर प्रैक्टिस करवा सके। बाहर उसकी बेटी भी बैठी होती है जो पढ़ाई कर रही होती है, और तभी यहाँ पर कुछ लड़के आते हैं जो उसकी बेटी को छेड़ना शुरू कर देते हैं। रिचर्ड उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि तुम ऐसा मत करो, मेरी बेटी अभी छोटी है। लेकिन वो लड़के रिचर्ड को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और इसके बाद रिचर्ड जब गाड़ी से अपनी बेटियों को घर ले जा रहा होता है तो उसकी बड़ी बेटी पूछती है, क्या आप ठीक है? रिचर्ड कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे पिता का साया मेरे ऊपर नहीं था, इसीलिए सब मुझे चिढ़ाते थे, मुझे परेशान करते थे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। रिचर्ड जब घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी कहती है कि हमें इस सपने के बारे में भूल जाना चाहिए, ये बहुत महंगी गेम है, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। रिचर्ड कहता है कि आज जो हम मेहनत कर रहे हैं इसका फल एक दिन हमें जरूर मिलेगा, वीनस और सरीना वर्ल्ड की टॉप की प्लेयर बनेंगी। दरअसल आज से कई साल पहले उसने टीवी में वर्जीनिया नाम की एक प्लेयर को खेलते हुए देखा था और तभी उसने तय कर लिया था कि वो अपनी बेटियों को लॉन टेनिस प्लेयर बनाएगा। और अब रिचर्ड विलियम और कुछ कोचेस के नंबर्स निकालता और उनके पास जाता है और उन्हें सरीना और वीनस की वीडियोस भी दिखाता है, लेकिन कोई भी बिना पैसों के उन्हें ट्रेन करने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन रिचर्ड ने भी ठान लिया है कि वो अपनी बेटियों को किसी भी कीमत पर वर्ल्ड की बेहतरीन टेनिस प्लेयर बनाएगा। लेकिन जैसे जैसे उसे हर जगह से नाउम्मीदी दिखना शुरू हो जाती है, उसके हौसले पस्त होना शुरू हो जाते हैं। और एक रात को वो उसी टेनिस कोर्ट में जाता है जहां पर कुछ लड़कों ने उसे मारा था। वो लड़के फिर से वहां पर आ जाते हैं और उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। रिचर्ड परेशान होता है, इसीलिए वो भी उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो लड़के उसे गन दिखाकर वहां से चले जाते हैं। रिचर्ड के अंदर बहुत गुस्सा होता है, जिस वजह से उसके पास जो उसकी सिक्योरिटी की गन होती है उसे लेकर वो उन लड़कों के पीछे जाता है जो एक बार में गए होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उन तक पहुंचता, कोई उन्हें गोली मार देता है। रिचर्ड ये देखकर डर जाता है और वापस घर आ जाता है। अगली सुबह वो वीनस और सरीना को एक कोच के पास ले जाता है जिसका नाम पॉल होता है। वो पॉल से रिक्वेस्ट करता है कि तुम इन दोनों की गेम को टेस्ट करो। हालांकि पॉल बहुत देर तक सोचता है, लेकिन इसके बाद वो इन दोनों की गेम को टेस्ट करता है, जिसके बाद वो वीनस से पूछता है कि तुम टेनिस क्यों खेलना चाहती हो। वीनस कहती है कि मैं इस दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट विंबलडन को कई बार जीतना चाहती हूँ। वो सरीना से भी यही सवाल पूछता है। सरीना कहती है कि मैं वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन प्लेयर बनना चाहती हूँ। इसके बाद पॉल तय करता है कि वो इन दोनों में से एक को कोचिंग देगा और वो वीनस को चुनता है। वीनस के लिए उसकी बहन सरीना बहुत खुश होती है और इसके बाद वीनस की प्रैक्टिस पॉल के साथ शुरू हो जाती है। वहीं सरीना को उसकी मॉम, जो खुद भी एक टेनिस कोच है, वो घर पर ही प्रैक्टिस करवाती है और धीरे धीरे वीनस की गेम इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। पॉल के जरिए कई कॉम्पिटिशन भी लड़ती है जिसमें वो सभी कॉम्पिटिशन को जीत जाती है। जूनियर लेवल के जितने भी टेनिस के मैचेस होते हैं वो सब में फर्स्ट आती है। रिचर्ड की खास आदत होती है, जब भी उसकी बेटी का कोई भी मैच होता है तो वो उस मैच को नहीं देखता, बल्कि वो अपने कानों से बॉल के हिट होने की आवाज को सुनता है। और एक दिन वीनस जब एक मैच जीतकर अपनी सिस्टर्स के साथ गाड़ी में अपने पिता और मॉम के साथ वापस आ रही होती है तो वो पांचों की पांचों सिस्टर्स उस लड़की का मजाक उड़ा रही होती है जो हारी है। घर आने के बाद रिचर्ड उन सबको समझाता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने कॉम्पिटिटर की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम कहां से आए हैं। तुम आसमान में कितना भी ऊपर क्यों ना उड़ो, लेकिन अपने पैरों को हमेशा जमीन पर ही रखना और दूसरों से पोलाइटली बात करना। रिचर्ड की ये शिक्षा उसकी बेटियों को बहुत अच्छी लगती है।
अब एक रात को इनके घर पर पुलिस आती है। दरअसल इनकी जो नेबर होती है वो हमेशा देखती है कि रिचर्ड अपनी बेटियों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाता है। उसे लगता है कि रिचर्ड अपनी बेटियों को टॉर्चर कर रहा है, इसीलिए उसने पुलिस कंप्लेंट की होती है। लेकिन रिचर्ड पुलिस को बताता है कि मेरी 5 बेटियां हैं और भविष्य में कुछ ना कुछ बनने वाली है, इसीलिए मैं इन पर मेहनत कर रहा हूँ। सड़क पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोगों को परेशान करते हैं, पुलिस को उनको पकड़ना चाहिए। हम यहाँ पर कुछ करने की आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनने के बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है, लेकिन उनकी जो नेबर होती है वो कहती है कि अगर बच्चों को तुमने दोबारा से टॉर्चर किया, उन्हें प्रेशराइज किया, तो मैं दोबारा पुलिस को कॉल करूंगी। और अगले दिन दिखाया जाता है कि वीनस का एक और टूर्नामेंट है जहाँ पर सरीना भी जाती है और वो भी अपना नाम वहाँ पर लिखवा देती है। इस बारे में रिचर्ड को कुछ भी पता नहीं होता। तभी वहाँ पर एक आदमी आता और रिचर्ड को कहता है कि तुम्हारी छोटी बेटी बहुत अच्छा टेनिस खेलती है। और जब वहाँ पर जाकर देखता है तो सरीना ने अपनी कॉम्पिटिटर को हरा दिया होता है। और इस पूरे टूर्नामेंट में जहाँ वीनस को गोल्ड ट्रॉफी मिलती है, वहीं सरीना को सिल्वर ट्रॉफी मिलती है। लेकिन यहाँ पर रिचर्ड साफ साफ महसूस कर सकता है कि उनके साथ भेदभाव होता है, क्योंकि वो ब्लैक हैं और वाइट अपर क्लास उन्हें हमेशा अपने से दरकिनार ही रखती है। अगले मैच में जब वीनस के साथ वो जाता है तो पॉल वहाँ पर उसे 2 आदमियों से मिलाता है और उन्हें बताता है कि रिचर्ड की बेटियाँ बहुत अच्छा गेम खेलती हैं, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इसकी हाई कोचिंग को अफोर्ड कर सके, इस गेम को अफोर्ड कर सके। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें स्पॉन्सर करें। रिचर्ड को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। और इसके बाद वो वीनस और सरीना के पास जाता है जो वहाँ पर कुछ खा रही होती है। वो उन्हें अपने साथ ले जाता है और समझाता है कि जिंदगी में कभी भी किसी भी फ्री की चीज को एक्सेप्ट मत करना। अगले दिन पॉल रिचर्ड के पास आता है और कहता है कि तुम्हें स्पॉन्सरशिप को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो कहता है कि नहीं, मेरी बेटियां बहुत अच्छा खेलती हैं और मैं चाहता हूं कि उन्हें उनके खेल पर स्पॉन्सरशिप मिले, ना कि इसलिए कि हमारे पास पैसे नहीं है। और उसे ये भी शक होता है कि पॉल अपना कमीशन बनाने के चक्कर में ऐसा कर रहा है, इसीलिए वो पॉल को कहता है कि अब तुम मेरी बेटी वीनस के कोच नहीं हो। पॉल वहां से चला जाता है। उसकी पत्नी ब्रैंडी को उसका ये बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो रिचर्ड से कहती है कि तुम हमेशा अपने मन की करते हो। रिचर्ड दरअसल अपने सिद्धांतों से हटना नहीं चाहता। और अगले दिन वो एक दूसरे कोच से कांटेक्ट करता है जिसका नाम रिक होता है। रिक वीनस और सरीना की गेम देखने के लिए आता है जो उसे बहुत ही अच्छी लगती है। और वो रिचर्ड से एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। वो कहता है कि मैं दोनों बच्चों की एजुकेशन कराऊंगा, इन्हें अपने साथ रखूंगा, लेकिन इनकी गेम का जो भी विनिंग प्राइज होगा उसका हमेशा मैं 15% अपने पास रखूंगा। रिचर्ड कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है तो तुम्हें हम सबको अपने साथ ले जाना होगा, और मेरी दोनों बच्चियों की नहीं बल्कि 5 बच्चियों की एजुकेशन तुम्हें करवानी होगी। साथ ही वो अपने लिए स्टाफ में एक जॉब भी तय करता है और रिक उसकी बात मान जाता है और ये सब के सब यहाँ से फ्लोरिडा के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन रिचर्ड की जो सबसे बड़ी बेटी होती है उसकी ग्रेजुएशन चल रही होती है, इसीलिए उसे यहीं पर रुकना पड़ता है। और अब ये पूरा का पूरा परिवार फ्लोरिडा पहुंच जाता है जहाँ पर इनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज होती है। यहाँ पर जो टेनिस कोर्ट होता है वो भी बहुत ही शानदार होता है। रिक रिचर्ड को कहता है कि वीनस और सरीना अब स्कूल जाएंगी, दूसरे आम बच्चों की तरह ही प्रैक्टिस करेंगी। हालांकि रिचर्ड को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती, वो उन्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाया करता था। रिक कहता है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा, और जब वो ऐसा करता है तो वीनस और सरीना की गेम बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। ये कई सारे मैचेस जीतते हैं जिससे इनका फेम बढ़ जाता है। और जब इनका इंटरव्यू किया जाता है तो इनसे पूछा जाता है कि तुम जूनियर टूर्नामेंट्स क्यों नहीं खेलते। इस बात से वीनस को बहुत दुख होता है। दरअसल रिचर्ड नहीं चाहता कि वो जूनियर टूर्नामेंट खेले, और ये बात वो अपने कोच रिक से कहती है। रिक रिचर्ड से बात करता है और रिचर्ड कहीं ना कहीं मान जाता है कि वो अब जूनियर टूर्नामेंट खेलेंगे। इस बात से वीनस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर कुछ ही दिनों के बाद टीवी पर एक न्यूज आती है जिसमें रिक की एक स्टूडेंट जिसका नाम जेनिफर होता है, जो कि बहुत बड़ी टेनिस प्लेयर होती है, पुलिस ने उसे ड्रग्स के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया होता है। ये न्यूज देखने के बाद वो रिक के पास जाता और कहता है कि वीनस अभी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगी। दरअसल वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी को भी फेम और पैसों की वजह से इस तरह की कोई आदत लग जाए। वीनस को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है। रिचर्ड की पत्नी ब्रैंडी और रिचर्ड के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ब्रैंडी कहती है कि ये वीनस की जिंदगी, उसे तय करने दो कि उसे क्या करना है। रिचर्ड भी उसकी बात समझता है और वो वीनस के पास जाता और कहता है कि तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम टूर्नामेंट खेलना चाहती हो कि नहीं।
वो अपने पिता से कहती है कि अगर आपको लगता है कि मैं तैयार नहीं हूं तो मैं नहीं खेलूंगी। रिचर्ड कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से हमारी कम्युनिटी को या किसी को भी शर्मिंदगी महसूस हो। दरअसल ये वो वक्त होता है जब काले और गोरों में बहुत ज्यादा भेदभाव होता है और रिचर्ड नहीं चाहता कि उनकी वजह से उनकी कम्युनिटी पर कोई भी उंगली उठाए। वीनस कहती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो, और वीनस तय करती है कि वो टूर्नामेंट खेलेगी। जिसके बाद वीनस को रिबॉक की तरफ से एक बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप मिलती है जो कि $3 मिलियन की होती है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन रिचर्ड और वीनस ये अमाउंट लेने से, ये स्पॉन्सरशिप लेने से मना कर देते हैं। रिक कहता है कि अगर उसने कल अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हमारे हाथ से स्पॉन्सरशिप चली जाएगी। रिचर्ड कहता है कि कल अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया तो हमें इससे बड़ी स्पॉन्सरशिप मिलेगी। वीनस को और रिचर्ड को अपने ऊपर विश्वास होता है। अगले दिन ये मैच के लिए जाते हैं जहां पर वीनस अपना गेम खेलती है, लेकिन वो शुरू में अच्छा परफॉर्म नहीं करती क्योंकि वो प्रेशर में होती है। रिचर्ड उसे समझाता है कि तुम्हें पैसों के स्पॉन्सरशिप के बारे में कुछ नहीं सोचना, तुम्हें सिर्फ अपनी नेचुरल गेम खेलनी, अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, तुम पूरी तरह से गेम में फोकस करो। और ये सुनने के बाद वो पूरी तरह से गेम में फोकस करती है और वीनस बहुत अच्छी तरह गेम खेल के इस गेम को जीत जाती है। इस गेम को जीतने के बाद उसका फेम और भी ज्यादा बढ़ जाता है और अब रिबॉक की स्पॉन्सरशिप एक बार फिर से उसके पास आती है, जो पहले से भी ज्यादा पैसे होते हैं। रिक इस बात से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन अब भी रिचर्ड मना कर देता है। वो कहता है कि हमें और धैर्य रखना होगा। रिक उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका अगला मैच वर्ल्ड की नंबर वन प्लेयर विकारियो से है, उससे जीतना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन रिचर्ड उसकी बात नहीं सुनता। वही हमें सरीना को दिखाया जाता है जो मायूस होती है क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही होती। रिचर्ड उसे समझाता और कहता है कि तुम एक दिन बहुत बड़ी प्लेयर बनोगी, बस तुम्हें कुछ इंतजार करना होगा। और अब अगला दिन आ जाता है जहां पर विकारियो का और वीनस का मैच होता है। वीनस बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और उसे फर्स्ट सेट में हरा देती है। सेकंड सेट में भी वो लीड कर रही होती है। इसके बाद विकारियो बाथरूम ब्रेक लेती है और 10 मिनट के बाद आती है। यहां पर वीनस बहुत ज्यादा पैनिक हो चुकी होती है क्योंकि उसके आगे एक बहुत बड़ी प्लेयर है और सेकंड सेट में विकारियो वीनस को हरा देती है, साथ ही थर्ड सेट में भी हरा देती है, जिससे विकारियो इस गेम को जीत जाती है और वीनस इस गेम को हार जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है। जब वो चेंजिंग रूम में होती है तो उसके पास उसके पिता रिचर्ड और उसकी मॉम ब्रैंडी आती है। वो उसे कहते हैं कि हमें तुम पर गर्व है। रिचर्ड कहते हैं कि आज जिसके साथ तुमने गेम खेला वो कोई आम प्लेयर नहीं है बल्कि वर्ल्ड की नंबर वन प्लेयर है। तुमने फर्स्ट सेट उसे हराया, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे वीनस को बहुत हौसला मिलता है। और जब ये पूरा परिवार बाहर निकलता है तो वहां पर बहुत सारे लोग इनका इंतजार कर रहे होते हैं जो वीनस को चीयर करते हैं। हर जगह वीनस का नाम गूंज रहा होता है, कई लोग उसका ऑटोग्राफ भी लेते हैं और यहाँ पर वीनस को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। रिक इनके पास आता और कहता है कि बहुत सारी कंपनीज वीनस से मिलने के लिए तैयार हैं जो उसे स्पॉन्सरशिप देना चाहती हैं। और ठीक 9 महीनों के बाद एक बार फिर से रिबॉक की स्पॉन्सरशिप इनके पास आती है जो $12 मिलियन की होती है और इस बार ये स्पॉन्सरशिप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब वीनस ने ऐसा किया होता है तो उसकी उम्र मात्र 15 साल होती है। आगे चलकर वीनस ने 5 बार विंबलडन को जीता और वो ऐसा करने वाली पहली अफ्रीकन अमेरिकन लेडी बनी। साथ ही सरीना भी 2 साल बाद उसे ज्वाइन करती है, जिसने 23 बार ग्रैंड स्लैम जीता था और कुछ लोगों का मानना है कि वो इतिहास की सबसे बड़ी फीमेल टेनिस प्लेयर है। और इस तरह से रिचर्ड ने जो सपना अपने बच्चों के लिए देखा था वो सपना उसका पूरा हो जाता है। इन्होंने अपनी ब्लैक कम्युनिटी को गर्व महसूस कराया जो कि हमेशा से वो चाहते थे। हर एक इंसान की आंखों में बड़े सपने होते हैं, बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन हर एक इंसान के अंदर उन सपनों को, उन कामों को पूरा करने का जज्बा नहीं होता। जिसके अंदर वो जज्बा होता है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब, वो अपने सपनों को पूरा कर ही लेता है। इस फिल्म में रिचर्ड विलियम्स के कैरेक्टर को विल स्मिथ ने निभाया था, जो कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, इसीलिए उन्हें अपनी इस परफॉर्मेंस के लिए ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। तो ये थी एक सच्ची कहानी फिल्म किंग रिचर्ड की, जो साल 2021 में रिलीज हुई थी। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।